हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लावण्या एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरे चैनल का नाम नहीं पता तो ये रहा मेरे चैनल का नाम, व्लॉग विद दीपा। चलो शुरू करते हैं। आज आप सोच रहे हो कि मैं इतनी जूतों के साथ क्यों बैठी हूँ। आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप लोग ना समटाइम्स आप लोग अपने हाउस को डर्टी रखते हो और जब गेस्ट्स आते हैं पता है क्या सोचते हैं। पहले वो सोचते घर पे मुझे नहीं रहना और ये और अच्छा नहीं होता। ओके चलो अब मैं आपको बताती हूँ व्हाई डू वी हैव टू क्लीन। क्योंकि क्लीनिंग, अगर हम लोग क्लीनिंग करेंगे ना, जैसे आप जानते हो ना लक्ष्मी माता को क्लीनिंग बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत क्लीनिंग अच्छा लगता है क्योंकि क्लीनिंग से हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और कुछ बच्चों को तो फ्री में टाइम मिलता है कि ड्राइंग करो वो करो, है ना। बट जरूरी काम ये है कि क्लीनिंग करो। अगर आप क्लीनिंग नहीं करोगे तो आपका रूम भी डर्टी रहेगा। रात को अब बेड नहीं ठीक करोगे तो आप कैसे सोओगे, इतना गंदलू बेड में सोओगे, है ना। चलो मैं आपको और बताती हूँ, अगर आप क्लीनिंग नहीं करोगे ना, जो डर्टीनेस होगी वो आपके बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेंगे और वो अच्छी बात नहीं है। तो ऑलवेज स्टे क्लीन। चलो और देखो, मैं आप लोग तो सोच रहे ये वीडियो बना रही हूँ और ये तो यहाँ इतने डर्टी ड्रेस में बैठी। नहीं, मैं सेट कर रही हूँ अपने जूते। और अगर आप क्लीनिंग नहीं करोगे और आप क्लीनिंग सीख गए हॉलीडेज और जब आप फ्री हो तो प्लीज अपने मम्मा पापा को हेल्प करो क्लीनिंग से। क्योंकि अगर कोई फेस्टिवल आने वाला है और कुछ आने वाला है, आप घर क्लीन तो करते हो बट जब कुछ नहीं होता स्टिल पता क्यों करते हो, क्योंकि गेस्ट नहीं और आपको क्लीन घर चाहिए। अदरवाइज आप कैसे सोफा में लेटोगे, टीवी देखोगे, हर जगह तो डर्टीनेस रहेगा, है ना। अब वो हमारे बॉडी के अंदर भी जा सकता है अगर हम लोग ऐसे ले ऐसे। ओके और चलो आप भी बताते हैं। ये मैंने ना अपने जूते अच्छे से रखे हैं क्योंकि मुझे ना क्लीनिंग बहुत पसंद है। मेरे मम्मा पापा ने ना मुझे गुड जॉब बोला बट वो भी ना ऐसे बहुत गंदलू रखते थे। जैसे ये देखो, ये जूता और इसके ऊपर एक और ऐसा जूता आ गया तो क्या हुआ, डर्टीनेस। और दोनों अगर हम दोनों ऐसे पहने, देखो ऐसे ऐसे, क्या दोनों अच्छे से मैचिंग और अच्छे दिख रहे नहीं ना दोस्तों। तो इसलिए हमें ना टुगेदर अपनी चीजें रखना चाहिए। जैसे अब हो रही मैच, है ना, है ना दोस्तों। तुम ऐसे ही हमें सेम जगह रखना चाहिए। चलो अगर आप मेरे साथ डर्टीनेस को भगाने के लिए, देखो फ्रेंड्स मैंने बोला था ना कि मैं क्लीन कर दूंगी और ये देखो मैंने क्लीन कर लिया। बट मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहती हूँ, बट बिफोर आई कंटिन्यू प्लीज कैन आई टेक द लिटिल रिक्वेस्ट। चलो मैं रिक्वेस्ट बोलती हूँ। देखो जब भी आपका हॉलीडेज हो और आपको बहुत आपको फ्री टाइम हो, जैसे कोई डेंजर टाइम आ गया, आपको हॉलीडेज लेना पड़ा, अपने मम्मा पापा को हेल्प करा करो क्लीनिंग के लिए, चाहे मम्मा होए और चाहे पापा होए। ओके और मेरी बात ये सुनना, जब भी आप कहीं जाओ ना तो अपने शूज को ना अच्छे से ऑर्डर में रख दो, लाइक किड्स मदर एंड फादर, कुछ इस तरह। अगर आप करोगे तो आपको ना, और जैसे करो एग्जांपल, अगर आपको एक पार्टी जाना पड़ा और आप जैसे ही जाने वाले थे आपने मुझे जूते चाहिए, जूते से जैसे ही देखो सारे मैसी पड़े थे, एक तो मिल गया फिर दूसरा नहीं मिला, टाइम वेस्ट हो गया। फिर फाइनली आपको घर पे ही रुकना पड़ा, आपका पार्टी तो ओवर। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जूतों को अच्छे से रखा करो जिससे आप राइट टाइम में
और आप अपने टाइम को सेव कर पाओ। थैंक यू।